अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? तो आप देख रहे होंगे जैसे कि मेरे पाँव आपको नज़र आ रहा है, मेरे अंगूठे का कोई हशर नशर हुआ हुआ है। तो हुआ कुछ ये था कि मैं कल जो है वो सफाइयाँ कर रही थी और सोचा कि कुछ डीपी सफाइयाँ कर लूँ। सही ड्रॉ में से हर चीज़ मैंने निकाली, स्मेटी, और जो है एंड में मैंने ड्रॉ कोई बाहर निकाली और उसको उल्टा करने लगी। उसमें कुछ मिट्टी और डस्ट वगैरह थी, सोचा इसको सही उल्टा करके और सही से सफाई करूँ। बट जैसे ही मैंने ड्रॉ रैक में से निकाला और ड्रॉ तो सीधा मेरे पाँव के ऊपर, सिर्फ ड्रॉ गिरना नहीं, लग रहा था कि जैसे कोई पहाड़ गिर गया हो मेरे पाँव पे। बस पेन से मैं रो रही थी बस, और जब अंदर आके बेड पे लेटी, एक घंटा पूरा मेरा रोने में गुजरा। पेन थी कि बिल्कुल कम ही नहीं हो रही थी, और ऐसे जैसे कि बस सांस निकल रही हो, जान निकल गई हो। लेकिन फिर तकरीबन एक घंटे बाद जो होश आया, मैंने कहा कि उठूं कोई डॉक्टर के पास जाऊं कि पेन किलर लूं, जाके इंजेक्शन वगैरह लगवाऊं। लेकिन जैसे ही मैंने पाँव ज़मीन पे रखा और ब्लड तो निकलना स्टार्ट हो गया, इतना शदीद ब्लड कि फुल मेरे पाँव पे ब्लड ही ब्लड, और ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा ज़ख्म हुआ है। हालाँकि देखने में बिल्कुल थोड़ा सा था, लेकिन जो है वो ब्लड बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से निकल रहा था। सो मैं जैसे तैसे रोती रोती उठी, बच्चों को लिया और बाइक पे गए सामने फार्मेसी पे। फार्मेसी पे पहुँचे और जो है उनको बोला कि बैंडेज करें और पेन किलर भी दें। सो उन्होंने बैंडेज स्टार्ट की, लेकिन बस बड़े अजीब तरीके से, शायद उन्हें ये लग रहा था कि छोटा सा ज़ख्म है और बस थोड़ी सी ऊपर स्क्वाश या कुछ नीटो वगैरह लगाने से ये ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, उन्होंने बस बैंडेज बहुत अजीब तरीके से की। और बैंडेज जब कर रहे थे तो ऐसे अजीब सा प्रेस करना ऊपर से अंगूठा, और मैं तो बस तब भी मैं बस मेरी आंखों में आंसू थे और मैं रो रही थी, क्योंकि पेन इतनी कुछ शदीद थी कि मेरे पर्स में इससे बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। सो उन्होंने यहाँ पे जो है वो बैंडेज कर दी और छोटी सी पट्टी लगाई, और पट्टी का भी वो नीटों का हिस्सा छोटा हो गया और उन्होंने फिर एक और पीस काट के ऊपर लगा दिया। खैर मैं बहुत हैरान थी कि ये किस तरीके की बैंडेज हो रही है मुझे। खैर उन्होंने कर दी, और उसके बाद जो है बारी आ गई इंजेक्शन की। पेन किलर उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगने की इतनी पेन ही थी जितना कि वो इंजेक्शन जैसे जैसे अंदर फिल हो रहा था मेरे, ऐसे ही पेन शदीद शिद्दत से हो रही थी। पूरा मेरा बाजू भारी हो गया, और मेरे से ना उधर से अब पाँव का दर्द और साथ में जो है वो हाथ का बाजू का दर्द स्टार्ट हो गया इंजेक्शन का। खैर वहाँ से निकले हम लोग, घर आए तो जो बैंडेज करवा के आई थी उसमें से भी ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, मतलब उस बैंडेज से ब्लड जो है वो रुका नहीं था। इतना ब्लड था कि वो बैंडेज फुल रेड होगी, सुरख होगी जी। तो फिर मैंने सोचा कि अब मेरे से दोबारा तो उठा नहीं जाएगा, मैं कैसे बाहर जाऊं। और फिर मैंने रेस्क्यू वालों को कॉल की और उनसे बोला कि ऐसे ऐसे मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया, तो इंजर्ड हो गया, और सो आप लोग आएँ और जो है ना मुझे बैंडेज करवानी। वो मेरी कॉल के तकरीबन 5 से 7 मिनट के बाद जो है रेस्क्यू वाले आ गए, और उन्होंने पूछा कि जी आपके पाँव पे क्या हुआ। मैंने बताया कि इस तरह से ड्रॉ गिरा मेरे पाँव पे और पेन बहुत शदीद है अभी भी। पेन इंजेक्शन के बाद अभी तक मुझे मतलब आराम नहीं आ रहा पेन का, और ब्लड जो है वो स्टिल निकल रहा है, ब्लड नहीं रुक रहा। उन्होंने जब मेरी बैंडेज देखी एक दफ़ा, तो वहाँ से उन्होंने बोला कि ये अपने घर पर खुद ही बैंडेज किया। तो मैंने बताया नहीं जी कि ये मैंने ना फार्मेसी से करवाई। वो बैंडेज के करने का तरीके को देख के बहुत उन्हें हैरत हुई और बड़ा वो अजीब सा उन्हें लगा। सो उन्होंने ये जो भी बैंडेज उतारे थी ये वही फार्मेसी वाली बैंडेज थी, और देख रहे हैं आप इसका हाल कि ये बिल्कुल ब्लड से भरी हुई थी। उन्होंने वो निकाली और फिर उसको मेरे पाँव को अच्छे से वॉश किया, और उसके ऊपर फिर पायोडीन डाली। आयोडीन लगा के उन्होंने फिर पट्टी लगाई, और बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सॉफ्टली जेंटली हैंड से उन्होंने किया। और साथ में वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपने
मतलब कैसे लगा आपको और कितनी देर हो गई है, या आज का ज़ख़म है, मतलब कि आज ये इंसिडेंट हुआ है या कल था, क्योंकि वो ना कॉल पे अपने जो हेड ऑफिस में ना इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो फिर उन्होंने बोला कि जो है एक हमें आपकी फ़ोटो भी लेनी होगी। उन्होंने मतलब मैंने फेस साइड पर कर लिया और उन्होंने मेरे पाँव की और मेरी फुल मतलब एक फ़ोटो ले ली। कहते कि हमने रिकॉर्ड में लगाना होता है, और क्योंकि हम लोग आपको एड देने के लिए आए हैं, सो हमने जो है ना वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है फुल कि हम लोग गए थे प्रूफ के साथ, ठीक है, हम सब इंफॉर्मेशन हमने उनको प्रोवाइड करनी है। सो उसके बाद उन्होंने बोला कि कौन सा ड्रॉप के पास आपके ऊपर गिरा था, बाहर सीढ़ियों के साथ ही ड्रॉप पड़ा हुआ था, उसकी भी उन्होंने फ़ोटो ले ली। और फिर मेरा नाम पूछा, हस्बैंड का नेम और फ़ोन नंबर और पूरा डाटा उन्होंने जो है एंटर कर लिया। और उसके बाद देख रहे हैं आपने बैंडेज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की थी, बहुत मतलब अब पेन भी थोड़ी कम हो चुकी थी, कुछ इंजेक्शन का असर हो गया था और पेन कम हो गई थी। खैर उन्होंने बैंडेज बहुत अच्छी की और इसके ऊपर से टेपिंग भी कर दी ताकि बैंडेज जो है वो इधर उधर हिले ना। खैर उसके बाद जो है हमने अल्लाह हाफिज़ टाटा बाय बाय उनको बोला। और मज़े की बात ये कि उन्होंने कुछ भी पैसे नहीं लिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, और घर पे आ के वो इतने अच्छे तरीके से बैंडेज करके गए और कुछ भी पेमेंट उन्होंने नहीं ली। खैर मैंने कुछ कोशिश की, मैं उनको पैसे देने लगी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये हमारे रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है और हम नहीं लेंगे और हमें परमिशन भी नहीं है। और बहरहाल बहुत अच्छा लगा, रेस्क्यू 1122 थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, इतनी जल्दी आप लोगों ने अपनी सर्विसेज दी। और खैर थैंक यू सो मच, यहाँ पे हम उनको अल्लाह हाफिज़ टाटा बोल रहे थे और अब यहाँ पे आपको भी अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक।